Good morning, everyone. Continuing with our topic under the chapter mutual funds. Next is organization of a mutual fund. जो mutual fund की organization है वो four level में होती है. पहला आता है sponsors, then आते हैं trustees, then आपकी asset management company and custodian. Sponsor कौन होता है? Sponsor वो person जो mutual fund को शुरू कर रहा है. जिसे अगर आप नाम सुनते हैं SBI म्यूचुअल फंड्स, मतलब कि उसका स्पॉन्सर कौन है? SBI है. वो जो स्पॉन्सर है आपका कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकता है, या कोई भी अदर जो इंस्टीट्यूशन है वो एज अ स्पॉन्सर एक्ट कर सकता है. जो उसको म्यूचुअल फंड को शुरू कर रहा है वो आपका स्पॉन्सर होता है. देन ट्रस्टी होता है जिसे स्पॉन्सर जो है वो ट्रस्टी को अपॉइंट करता है, और उसका काम होता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी पूरा वर्क कर रही है उसको देखना कि वो उसे प्रॉपरली कर रही है या नहीं कर रही है. ये काम होता है ट्रस्टी का. देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, जो भी आप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स निकाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का जो फंड है उसको जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसकी वो सारी जो मैनेजमेंट है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है, AMC जिसे हम कहते हैं. जो भी म्यूचुअल फंड्स का स्कीम आपको निकालनी है, किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स आप निकाल रहे हैं, या जो आपका फंड इकट्ठा हुआ है उसको आपने किस सिक्योरिटीज में लगाना है, उसकी रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, उसको उससे जो रिटर्न मिल रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी जो मैनेजमेंट है वो आपकी AMC करती है, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं. देन आता है आपका कस्टडियन. कस्टडियन हम किसे कहते हैं? जो पर्सन या जो इंस्टीट्यूशन आपको ये सर्विस दे रहा है कि जो भी आपकी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं या जो भी आपकी अदर एसेट्स हैं वो उसकी कस्टडी जो है सेफली रख रहा है, उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो रख रहा है, किसको कितने म्यूचुअल फंड्स अलॉटेड हैं उसका रिकॉर्ड रखना, किस म्यूचुअल फंड्स पे कितना रिटर्न आपको मिला है, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो रिकॉर्ड रखना, वो सारा जो काम है वो कस्टडियन का होता है. तो ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज फैसिलिटीज. क्या क्या अवेलेबल है इन्वेस्टर्स को इन म्यूचुअल फंड्स? फैसिलिटी ऑफ रीपर्चेज. आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे, आपने यूनिट्स खरीदी, आप अगर उसे दोबारा परचेज करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है. आप किसी भी टाइम पे एंटर कर सकते हैं किसी भी स्कीम में. फैसिलिटी ऑफ रोल ओवर, आपकी जो टाइम पीरियड जितने के लिए आपने कहा था कि मुझे जो सिप्स हैं अपनी म्यूचुअल फंड्स में वो सपोज 5 ईयर्स तक चलानी है, लेकिन 5 ईयर कंप्लीट हो गए आप उसे आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको मिलती है, जिसे हम फैसिलिटी ऑफ रोल ओवर कहते हैं. देन लेटरल शिफ्टिंग फैसिलिटी की, सपोज आप एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और आप उस स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, उसे हम लेटरल शिफ्टिंग फैसिलिटी कहते हैं. तो ये फैसिलिटीज हैं जो अवेलेबल होती हैं. देन बेनिफिट्स क्या हैं म्यूचुअल फंड्स के? सबसे पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट. अगर एक इन्वेस्टर जो 1000 रुपीज है वो इंडिविजुअली उसे इन्वेस्ट करता है, तो जब वो उसे इन्वेस्ट करेगा तो उसके वेरियस लेवल पर उसके डिफरेंट डिडक्शंस होंगी रिलेटेड टू फीस, रिलेटेड टू टैक्सेस एंड एसेट्रा चीज़ों के लिए. लेकिन जब उसी चीज़ को आप एक पूल में इकट्ठा करके उस फंड को आप इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्सेस आपकी कम लगेंगे, आपकी जो डिडक्शंस हो रही हैं डिफरेंट चीज़ों में, फीस में या किसी डिफरेंट चार्जेस में, वो भी कम लगेगी. उसी को हम कह रहे हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलती हैं इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट. देन है टैक्स एग्जम्पशंस. बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करो तो उसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है. जैसे अगर आप ATC के अंडर जो आपको 150 की डिडक्शन मिलती है, तो अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स एग्जम्पशन वहाँ पर मिलती है. देन मोर अर्निंग्स फॉर इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें अर्निंग्स ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा अर्न होती है एज कम्पेयर टू अगर आप सिंगल हैंडेडली जो इंडिविजुअल है वो इन्वेस्ट करने डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाएगा. देन रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ न्यू इशू. अगर जो कंपनीज हैं जब वो न्यू इशू निकालती है तो अगर वो ज़्यादा का इशू निकालती है तो उनकी कॉस्ट कम आती है ना. सेम तरीके से म्यूचुअल फंड्स के केस में होता है कि जब म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप निकाल रहे हो, न्यू इशू निकाल रहे हो आप, तो वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस
हो जाती है. देन लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो, अगर किसी स्कीम में लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड मतलब कि उस पीरियड से पहले आप उस स्कीम्स की जो भी यूनिट्स आपने खरीदी हैं जिसमें इन्वेस्ट किया है आप उसको बेच नहीं सकते. अगर वो लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गया है तो उसके बाद आपकी जो म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स हैं आप उसे कभी भी खरीद और बेच सकते हैं. तो वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रही है. देन फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट, ये ऑप्शन है आपके पास. आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के जो स्कीम्स हैं वो अवेलेबल है. म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमने पढ़े, आपने डेप्ट स्कीम भी पढ़ा, आपने गिल्ट एज भी पढ़ा, आपने बैलेंस्ड भी पढ़ा. तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किस टाइप की सिक्योरिटीज़ में अपने जो म्यूचुअल फंड्स के फंड्स हैं आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. देन जनरलाइजिंग सेविंग्स टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये पैसा जो म्यूचुअल फंड्स में आप इकट्ठा कर रहे हैं उस पूल को जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सेविंग्स जो आपकी अल्टीमेटली कहाँ गई, आपकी गई फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और वो फाइनेंशियल सिस्टम से जो इंडस्ट्री है जो ट्रेड में इन्वॉल्व है पार्टीज उन्हें जो पैसा चाहिए होता है वो वहीं से रेज करते हैं. तो आपकी चैनलाइज हो रही है सेविंग्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बीच में. देन रिड्यूस्ड रिस्क ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पैसा अपने जो, सपोज हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि अगर आपके पास एग्स हैं और उन एग्स को आप एक ही बास्केट में रखोगे तो आपका रिस्क ज़्यादा है. सेम तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग्स है, अगर आप किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट में लगा देंगे तो उसका रिस्क ज़्यादा है. अगर हम आप उसी सेविंग्स को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड कर देंगे कि आपने कुछ के इक्विटी ले ली, कुछ के आपने प्रेफरेंस ले लिए, कुछ के आपने शेयर्स ले लिए, सॉरी डिबेंचर्स ले लिए, कुछ के आपने बॉन्ड्स ले लिए, कुछ आपने मनी मार्केट में लगा दिया, तो अगर आपने उसे डाइवर्सिफाई कर दिया तो आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है. देन प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो आपका फंड है उसे जो मैनेज कर रहा है वो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर्स होते हैं. तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जो सर्विसेज है आपको मिलती है. ये थे बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड्स के. देन आती है लिमिटेशंस, क्या है म्यूचुअल फंड्स की. पहला है पॉलिटिकल रिस्क. अगर कंट्री में जो डिफरेंट स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट जो है अगर कुछ नई चीज़ लेके आई है, उसे कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसका बैड इफेक्ट जा रहा है और कुछ इंडस्ट्री के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट जा रहा है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है. स्टेबिलिटी कितनी है कंट्री में, जो आपका अल्टीमेट आपका है सेंटीमेंट होता है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में, वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल है, तो वो इफेक्ट करती है. देन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर है वो प्रोफेशनल जो है आपका जो मैनेज कर रहा है वो एक्सपर्टाइज उसके पास नहीं है या रॉन्ग उसकी जजमेंट है, तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अगर उसने कर दी तो वहाँ पर यहाँ पे लिमिटेशन आपके पास आ जाती है कि आपका म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं होगी, आपको रिटर्न उतना नहीं मिलता है. देन बिजनेस रिस्क है कि किस कंपनी के शेयर्स में आप लगा रहे हो, उस कंपनी का जो बिजनेस है कितना ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो नहीं कर रहा है, आगे फ्यूचर जो पोटेंशियल है कंपनी का कैसा है. देन मार्केट रिस्क, मार्केट जैसे हम जानते ही हैं कि जो मार्केट है वो सेंटीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है. मार्केट यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं मार्केट दोनों तरीके से है, हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात भी कर रहे हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई जो आपकी जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है उस मार्केट की भी बात कर रहे हैं. क्योंकि अल्टीमेटली जिस बिजनेस की सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया है, जिस सेक्टर की सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया है, उस सेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसकी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्शन डिसाइड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंपनी को उतना प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा. तो ये थी हमारी लिमिटेशंस म्यूचुअल फंड्स की. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स का, दैट इज़ NAVs, उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.